अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस की, जिसे कमाई को लेकर भारत में भले ही कोई कानून ना हो, लेकिन कोई फिर भी बिटकॉइन में निवेश करता है तो इस कमाई को इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बिटकॉइन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो बिटकॉइन पर उपभोक्ता सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सुझाव देगी। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बिटकॉइन से हुई कमाई को बताना होगा, नहीं तो ब्याज और पेनल्टी दोनों चुकाने पड़ सकते हैं। अगर बिटकॉइन को 36 महीने से कम समय के लिए अपने पास रखा है तो उस कमाई पर 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अगर 36 महीने से ज्यादा वक्त के लिए निवेशित रहे हैं तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना होगा, और अगर रिटर्न में कमाई को छिपाया गया तो 50 से 200% की पेनल्टी का भी प्रावधान रखा जा सकता है। गलत जानकारी देने पर 12% सालाना ब्याज भी देना पड़ सकता है। और यूटीआई के एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर लियो पुरी ने निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा, बिटकॉइन में निवेश काफी आकर्षक लगता तो है, लेकिन इसके कई खतरे हैं। बिटकॉइन्स, आई थिंक वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। इट्स अ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। देयर इज नो सेंट्रल बैंक बिहाइंड इट। देयर इज नो फंक्शन और पर्पस व्हिच इट सर्व्स। There are no natural sellers or buyers. It's just speculation at this point. Even though it seems very attractive, and you'll keep reading in the newspapers about how fast it's moving, and there'll be a concern you're missing an opportunity. My personal advice would be to be very careful and stay away from investing in bitcoins.